क्या होगा अगर सभी वैज्ञानिक गलत साबित हों और ग्लोबल वार्मिंग कोई समस्या ना हो? क्या होगा अगर असली खतरा हमारे ग्रह के बहुत ठंडा हो जाने का है? लाखों वर्षों तक मानवता की सेवा करने के बाद 23वीं सदी के मध्य में सूर्य लुप्त होने लगता है। अगले दशकों में पृथ्वी पर औसत तापमान 7 डिग्री कम हो जाता है, जिससे फसल की पैदावार और खाद्य आपूर्ति में भारी गिरावट आती है। दशक दर दशक सूर्य कमजोर होता जा रहा है और पृथ्वी पर तापमान गिरता जा रहा है। महासागर जमने लगे हैं और एक बार जब संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र अतिक्रमणकारी बर्फ के नीचे ढह गए तो जीवंत शहर भूतहा शहर बन गए। 26वीं सदी तक सूर्य अपनी प्रारंभिक क्षमता का लगभग 40% खो चुका था। जैसे जैसे दुनिया ठंडी होती जा रही है, आबादी कम होती जा रही है, क्योंकि लोग कठोर परिस्थितियों के आगे झुक रहे हैं और मानवता विलुप्त होने का सामना कर रही है। कुछ 100 साल बाद एक नया हिमयुग शुरू होता है और पृथ्वी एक जमी हुई बंजर भूमि बन जाती है। इसके परिदृश्य हावी हो जाते हैं, बर्फ और हिम के अंतहीन विस्तार से घिरा हुआ है। मानव सभ्यता के अवशेष जमी हुई सतह के नीचे दबे हुए हैं, जो एक ऐसी दुनिया का मूक प्रमाण है जो कभी अस्तित्व में थी।